This is the place with the helpful hardware, folks. Ace is the only national retailer that carries Benjamin Moore paint, which means the paint you trust and a huge selection of colors are right in your neighborhood. And this Saturday only, you can pick up a free sample of Benjamin Moore at your local Ace. It's a great way to explore quality colors and find the perfect one for your place. So if you're looking for award-winning service and a new look for your home, look no further than Benjamin Moore paint at Ace. Offer valid August 1st for Ace Rewards members limit 1 at participating stores while supplies last. लीजे प्रेमचंद की लिखी कहानी विश्वास वाचन समीर गोस्वामी का है उन दिनों मिस जोशी बंबई सभ्य समाज का की राधिका थी थी तो वो एक छोटी सी कन्या पाठशाला की अध्यापिका पर उसका ठाट बाट मान सम्मान बड़ी बड़ी धनरानियों को भी लज्जित करता था वो एक बड़े महल में रहती थी जो किसी जमाने में सतारा के महाराज का निवास स्थान था वहां सारे दिन नगर के रईसों राजों राजकर्मचारियों का तांता लगा रहता था वो सारे प्रांत के धन और कीर्ति के उपासकों की देवी थी अगर किसी को खिताब का खपत था तो वो मिस जोशी की खुशामद करता था किसी को अपने या अपने संबंधों के लिए कोई अच्छा ओहदा दिलाने की धुन थी तो वो मिस जोशी की आराधना करता था सरकारी इमारतों के ठेके नमक शराब अफीम आदि सरकारी चीजों के ठेके लोहे लकड़ी कलपुर्जे आदि के ठेके सब मिस जोशी ही के हाथों में थे जो कुछ करती थी वही करती थी जो कुछ होता था उसी के हाथों होता था जिस वक्त वो अपनी अरबी घोड़ों की फिटन पर सैर करने निकलती तो रईसों की सवारियां आप ही आप रास्ते से हट जाती थी बड़े बड़े दुकानदार खड़े हो होकर सलाम करने लगते थे वो रूपवती थी लेकिन नगर में उससे बढ़कर रूपवती रमणियां भी थी वो सुशिक्षिता थी वाक चतुर थी गाने में निपुण हंसती तो अनोखी छवि से बोलती तो निराली छठा से ताकती तो बाकी चितवन से लेकिन इन गुणों में उसका एकाधिपत्य न था उसकी प्रतिष्ठा शक्ति और कीर्ति का कुछ और ही रहस्य था सारा नगर ही नहीं सारे प्रांत का बच्चा बच्चा जानता था कि बम्बई के गवर्नर मिस्टर जौहरी मिस जोशी के बिना दामों के गुलाम हैं। मिस जोशी की आंखों का इशारा उनके लिए नादिरशाही हुक्म है वो थियेटरों में दावतों में जलसों में मिस जोशी के साथ साय की भांति रहते हैं और कभी कभी उनकी मोटर रात के सन्नाटे में मिस जोशी के मकान से निकलती हुई लोगों को दिखाई देती है इस प्रेम में वासना की मात्रा अधिक है या भक्ति की ये कोई नहीं जानता लेकिन मिस्टर जोहरी विवाहित हैं और मिस जोशी विधवा इसलिए जो लोग उनके प्रेम को कलुषित कहते हैं वे उन पर कोई अत्याचार नहीं करते बम्बई की व्यवस्थापिका सभा ने अनाज पर कर लगा दिया था और जनता की ओर से उसका विद्रोह करने के लिए एक विराट सभा हो रही थी सभी नगरों से प्रजा के प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित होने के लिए हजारों की संख्या में आए थे मिस जोशी के विशाल भवन के सामने चौड़े मैदान में हरी हरी घास पर बम्बई की जनता अपनी फरियाद सुनाने के लिए जमा थी अभी तक सभापति न आए थे इसलिए लोग बैठे गपशप कर रहे थे कोई कर्मचारी पर आक्षेप लगाता था कोई देश की स्थिति पर कोई अपनी दीनता पर अगर हम लोगों के अकड़ने का जरा भी सामर्थ्य होता तो मजाल थी कि ये कर लगा दिया जाता अधिकारियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता हमारा जरूरत से ज्यादा सीधापन हमें अधिकारियों के हाथों का खिलौना बनाए हुए है वे जानते हैं इन्हें जितना दबाते जाओ उतना दबते जाएंगे सिर नहीं उठा सकते सरकार ने भी उपद्रव की आशंका से सशस्त्र पुलिस बुला ली उस मैदान के चारों कोने पर सिपाहियों का दल डेरा डाले पड़ा था उनके अफसर घोड़ों पर सवार हाथ में हंटर लिए जनता के बीच में निशंक भाव से घोड़े दौड़ाते फिरते थे मानो साफ मैदान है मिस जोशी के ऊंचे बरामदे में नगर के सभी बड़े बड़े रईस और राज्य अधिकारी तमाशा देखने के लिए बैठे हुए थे मिस जोशी मेहमानों का आदर सत्कार कर रही थी और मिस्टर जौहरी आराम कुर्सी पर लेटे इस जनसमूह को घृणा और भय की दृष्टि से देख रहे थे सहसा सभापति महाशय आपटे एक किराए के तांगे पर आते दिखाई दिए चारों तरफ हलचल मच गई लोग उठ उठकर उनका स्वागत करने दौड़े और उन्हें लाकर मंच पर बैठा दिया आपटे की अवस्था तीस पैंतीस वर्ष से अधिक न थी दुबले पतले आदमी थे मुख पर चिंता का गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ बाल भी पक चले थे मुख पर सरल हास्य की रेखा झलक रही थी वो एक सफेद मोटा कुर्ता पहने थे न पांव में जूते थे न सिर पर टोपी इस अर्धनग्न दुर्बल निस्तेज प्राणी में न जाने कौन सा जादू था कि समस्त जनता उसकी पूजा करती थी उसके पैरों पर सिर रगड़ती थी इस एक प्राणी के हाथों में इतनी शक्ति थी कि वो मात्र में सारी मिलों को बंद करा सकता था शहर का सारा कारोबार मिटा सकता था अधिकारियों को उसके भय से नींद न आती थी रात को सोते सोते चौंक पड़ते थे उससे ज्यादा भयंकर जंतु अधिकारियों की दृष्टि में दूसरा न था ये प्रचंड शासन शक्ति उस एक हड्डी के आदमी से थर थर कांपती थी क्योंकि उस हड्डी में एक पवित्र निष्कलंक भलवान और दिव्य आत्मा का निवास था आप्टे ने मंच पर खड़े होकर पहले जनता को शांत चित्त रहने और अहिंसा व्रत पालन करने का आदेश दिया फिर देश की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करने लगे सहसा उनकी दृष्टि सामने मिस जोशी के बरामदे की ओर गई तो उनका प्रजा दुख पीड़ित हृदय तिलमिला उठा यहां अगणित प्राणी अपनी विपत्ति की फरियाद सुनने के लिए जमा थे और वहां मेजों पर चाय और बिस्कुट मेवे और फल बर्फ और शराब की रेल पेल थी वे लोग इन अभागों को देख देख हंसते तालियां बजाते थे जीवन में पहली बार आपटे की जबान काबू से बाहर हो गई मेघ की भांति गरज कर बोले इधर तो हमारे भाई दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं उधर अनाज पर कर लगाया जा रहा है केवल इसलिए कि राज कर्मचारियों के हलवे पूरी में कमी ना हो हम जो देश के राजा हैं जो तो छाती फाड़कर धरती से धन निकालते हैं भूखों मरते हैं और वे लोग जिन्हें हमने अपने सुख और शांति की व्यवस्था करने के लिए रखा है हमारी स्वामी बने हुए शराबों की बोतलें उड़ाते हैं कितनी अनोखी बात है कि स्वामी भूख मरे और सेवक शराब उड़ाए मेवे खाएं और इटली और स्पेन की मिठाइयां चले ये किसका अपराध है क्या सेवकों का नहीं कदापि नहीं हमारा ही अपराध है कि हमने अपने सेवकों को इतना अधिकार दे रखा है आज हम उच्च स्वर से कह देना चाहते हैं कि हम ये क्रूर और कुटिल व्यवहार नहीं सह सकते ये हमारे लिए असह्य है कि हम और हमारे बाल बच्चे दानों को तरसें और कर्मचारी लोग विलास में डूबे हुए करुण क्रंदन की जरा भी परवाह न करते हुए विहार करें यह असह है कि हमारे घरों में चूल्हे न जलें और कर्मचारी लोग थिएटरों में यश करें नाच रंगे की महफिलें सजाएं दावतें उड़ाएं वैश्याओं पर कंचन की वर्षा करें संसार में ऐसा कौन देश होगा जहां प्रजा तो भूखी मरती हो और प्रधान कर्मचारी अपनी प्रेम क्रीड़ाओं में मग्न हो जहां स्त्रियां गलियों में ठोकरें खाती फिरती हो और अध्यापिकाओं का वेश धारण करने वाली वैश्याए आमोद प्रमोद के नशे में चूर हों, एक एक सशस्त्र सिपाहियों के दल में हलचल मच गई उनका अफसर हुक्म दे रहा था कि सभा भंग कर दो नेताओं को पकड़ लो कोई न जाने पाए ये विद्रोहात्मक व्याख्यान है मिस्टर जौहरी ने पुलिस के अफसर को इशारे से बुलाकर कहा और किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं आपटे ही को पकड़ो वही हमारा शत्रु है पुलिस ने डंडे चलाने शुरू किए और कई सिपाहियों के साथ जाकर अफसर ने आपटे को गिरफ्तार कर लिया जनता की त्योरियां बदली अपने प्यारे नेता को यौ गिरफ्तार होते देखकर उनका धैर्य हाथ से जाता रहा लेकिन उसी वक्त आपटे की ललकार सुनाई दी तुमने अहिंसा व्रत लिया है और अगर किसी ने उस व्रत को तोड़ा तो उसका दोष मेरे सिर होगा मैं तुमसे सविनय अनुरोध करता हूं कि अपने अपने घर जाओ अधिकारियों ने वही किया जो हम समझते थे इस सभा से हमारा जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया हम यहां बलवा करने नहीं केवल संसार की नैतिक सहानुभूति प्राप्त करने के लिए जमा हुए थे और हमारा उद्देश्य पूरा हो गया एक क्षण में सभा भंग हो गई और आपटे पुलिस की हवालात में भेज दिए गए मिस्टर जौहरी ने कहा बच्चे बहुत दिनों के बाद पंजे में आए हैं राजद्रोह का मुकदमा चलाकर कम से कम दस साल के लिए अंडमान भेजूंगा मिस जोशी इससे क्या फायदा मिस्टर जौहरी ने कहा क्यों उसको अपने किए की कि सजा मिल जाएगी मिस जोशी लेकिन सोचिए हमें उसका कितना मूल्य देना पड़ेगा अभी जिस बात को गिने गिनाए लोग जानते हैं वो सारे संसार में फैलेगी और हम कहीं मुंह दिखाने लायक न रहेंगे आप अखबारों के संवाददाताओं की जबान तो नहीं बंद कर सकते कुछ भी हो मैं इसे जेल में सड़ाना चाहता हूं कुछ दिनों के लिए तो चैन की नींद नसीब होगी बदनामी से तो डरना ही व्यर्थ है हम प्रांत के सारे समाचार पत्रों को अपने सदाचार का राग अलापने के लिए मोल ले सकते हैं हम प्रत्येक लांछन को छूट साबित कर सकते हैं आपटे पर मिथ्या दोषारोपण का अपराध लगा सकते हैं मैं इससे सहज उपाय बतला सकती हूं आप आपटे को मेरे हाथ में छोड़ दीजिए मैं उससे मिलूंगी और उन्हीं यंत्रों से जिनका प्रयोग करने में हमारी जाति सिद्धहस्त है उसके आंतरिक भावों और विचारों की था लेकर आपके सामने रख दूंगी मैं ऐसे प्रमाण खोज निकालना चाहती हूं जिनके उत्तर में उसे मुंह खोलने का साहस न हो और संसार की सहानुभूति उसके बदले हमारे हाथ हो चारों ओर से यही आवाज आए कि ये कपटी और धूर्त था और सरकार ने उसके साथ वही व्यवहार किया जो होना चाहिए मुझे विश्वास है कि वो षड्यंत्रकारियों का मुखिया है और मैं इसे सिद्ध कर देना चाहती हूं मैं उसे जनता की दृष्टि में देवता नहीं बनाना चाहती उसको राक्षस के रूप में दिखाना चाहती हूं यह काम इतना आसान नहीं जितना तुमने समझ रखा है आपटे राजनीति में बड़ा चतुर है ऐसा कोई पुरुष नहीं जिस पर युवती अपनी मोहनी न डाल सके अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम यह काम पूरा कर दिखाओगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है मैं तो केवल उसे दंड देना चाहता हूं तो हुक्म दे दीजिए कि वो इसी वक्त छोड़ दिया जाए जनता कहीं यह तो ना समझेगी कि सरकार डर गई नहीं मेरे ख्याल से तो जनता पर इस व्यवहार का बहुत अच्छा असर पड़ेगा लोग समझेंगे कि सरकार ने जनमत का सम्मान किया है लेकिन तुम्हें उसके घर जाते लोग देखेंगे तो मन में क्या कहेंगे नकाब डालकर जाऊंगी किसी को कानो कान खबर ना होगी मुझे तो अब भी भय है कि वो तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखेगा और तुम्हारे पंजे में ना आएगा लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो आजमा कर देखो ये कहकर मिस्टर जौहरी ने मिस जोशी को प्रेममय नेत्रों से देखा हाथ मिलाया और चले गए आकाश पर तारे निकले हुए थे चैत की शीतल सुखद वायु चल रही थी सामने के चौड़े मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था लेकिन मिस जोशी को ऐसा मालूम हुआ मानो आपने मंच पर खड़ा बोल रहा है उसका शांत सौम्य विषादमय स्वरूप उसकी आंखों में समाया हुआ था प्रातःकाल मिस जोशी अपने भवन से निकली लेकिन उसके वस्त्र बहुत साधारण थे और आभूषण के नाम शरीर पर एक धागा भी न था अलंकार विहीन होकर उसकी छवि स्वच्छ निर्मल जल की भांति और भी निखर गई थी उसने सड़क पर आकर एक तांगा लिया और चली आपटे का मकान गरीबों के एक दूर के मोहल्ले में था तांगे वाला मकान का पता जानता था कोई दिक्कत न हुई मिस जोशी जब मकान के द्वार पर पहुंची तो न जाने क्यों उसका दिल धड़क रहा था उसने कांपते हुए हाथों से कुंडी खटखटाई एक अधेड़ औरत ने निकलकर द्वार खोल दिया मिस जोशी उस घर की सादगी देखकर दंग रह गई एक किनारे चारपाई पड़ी हुई थी एक टूटी अलमारी में कुछ किताबें चुनी हुई थी फर्श पर लिखने का डेस्क था और एक रस्सी की अलगनी पर कपड़े लटक रहे थे कमरे के दूसरे हिस्से में एक लोहे का चूल्हा था और खाने के बर्तन पड़े हुए थे एक लंबा तगड़ा आदमी जो उसी अधेड़ औरत का पति था बैठा एक टूटे हुए ताले की मरम्मत कर रहा था और एक पांच छह वर्ष का तेजस्वी बालक आपटे की पीठ पर चढ़ने के लिए उसके गले में हाथ डाल रहा था आपटे इसी लोहार के साथ उसी के घर में रहते थे समाचार पत्रों में लेख लिखकर जो कुछ मिलता उसे दे देते दे और इस भांति ग्रह प्रबंध की चिंताओं से छुट्टी पाकर जीवन व्यतीत करते थे मिस जोशी को देखकर आपने जरा चौंके फिर खड़े होकर उसका स्वागत किया और सोचने लगे कि कहां बैठाऊं। अपनी दरिद्रता पर आज उन्हें जितनी लाज आई उतनी और कभी ना आई थी मिस जोशी उनका असमंजस देखकर चारपाई पर बैठ गई और जरा रुखाई से बोली मैं बिना बुलाए आपके यहां आने के लिए क्षमा मांगती हूं किंतु काम ऐसा जरूरी था कि मेरे आए बिना पूरा ना हो सकता था क्या मैं एक मिनट के लिए आपसे एकांत में मिल सकती हूं आपने ने जगन्नाथ की ओर देखकर कमरे से बाहर चले जाने का इशारा किया उसकी स्त्री भी बाहर चली गई केवल पालक रह गया वो मिस जोशी की ओर बार बार उत्सुक आंखों से देखता था मानो पूछ रहा हो कि तुम आपटे दादा की कौन हो मिस जोशी ने चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठते हुए कहा आप कुछ अनुमान कर सकते हैं कि मैं इस वक्त क्यों आई हूं आपटे ने झेपते हुए कहा आपकी कृपा के सिवा और क्या कारण हो सकता है मिस जोशी नहीं संसार इतना उदार नहीं हुआ कि आप जिसे गालियां दे वो आपको धन्यवाद दे आपको याद है कि कल आपने अपने व्याख्यान में मुझ पर क्या क्या आक्षेप किए थे मैं आपसे जोर देकर कहती हूं कि वे आक्षेप करके आपने मुझ पर घोर अत्याचार किया है आप जैसे सहृदय शीलवान विद्वान आदमी से मुझे ऐसी आशा न थी मैं अबला हूं मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है क्या आपको उचित था कि एक अबला पर मिथ्यारोपण करे अगर मैं पुरुष होती तो आपसे डोल खेलने का आग्रह करती अबला हूं इसलिए आपकी सज्जनता को स्पर्श करना ही मेरे हाथ में है आपने मुझ पर जो लाछन लगाए हैं वे सर्वथा निर्मूल हैं आपने निदृढ़ता से कहा अनुमान तो बाहरी प्रमाणों से ही किया जाता है मिस जोशी बाहरी प्रमाणों से आप किसी के अंत स्थल की बात नहीं जान सकते आपटे, जिसका भीतर बाहर एक ना हो उसे देखकर भ्रम में पड़ जाना स्वाभाविक है मिस जोशी हां तो वो आपका भ्रम है और मैं चाहती हूं कि आप उस कलंक को मिटा दें, जो आपने मुझ पर लगाया है आप इसके लिए प्रायश्चित करेंगे आपटे अगर ना करूं तो मुझसे बड़ा दुरात्मा संसार में ना होगा मिस जोशी आप मुझ पर विश्वास करते हैं आपटे मैंने आज तक किसी रमणी पर अविश्वास नहीं किया मिस जोशी क्या आपको ये संदेह हो रहा है कि मैं आपके साथ कौशल कर रही हूं आपटे ने मिस जोशी की ओर अपने सदैव सजल सरल नेत्रों से देखकर कहा बाईजी मैं गवार और अशिष्ट प्राणी हूं लेकिन नारी जाति के लिए मेरे हृदय में जो आदर है वो श्रद्धा से कम नहीं जो मुझे देवताओं पर है मैंने अपनी माता का मुख नहीं देखा यह भी नहीं जानता कि मेरा पिता कौन था किंतु जिस देवी के दया वृक्ष की छाया में, में मेरा पालन पोषण हुआ उनकी प्रेम मूर्ति आज तक मेरी आंखों के सामने है और नारी के प्रति मेरी भक्ति को सजीव रखे हुए है मैं उन शब्दों को मुंह से निकालने के लिए अत्यंत दुखी और लज्जित हूं जो आवेश में निकल गए और मैं आज ही समाचार पत्रों में खेद प्रकट करके आपसे क्षमा की प्रार्थना करूंगा मिस जोशी को अब तक अधिकांश स्वार्थी आदमियों ही से साबिका पड़ा था जिनके चिकने चुपड़े शब्दों में मतलब छिपा हुआ था आपने के सरल विश्वास पर उसका चित्त आनंद से गदगद हो गया शायद वो गंगा में खड़ी होकर अपने अन्य मित्रों से ये कहती तो उसके फैशनेबल मिलने वालों में से किसी को उस पर विश्वास न आता समूह के सामने हा हा करते पर बाहर निकलते ही उसका मजाक उड़ाना शुरू करते उन कपटी मित्रों के सम्मुख सम्मे आदमी था जिसके एक एक शब्द में सच्चाई झलक रही थी जो उसके अंतस्थल से निकलते हुए मालूम होते थे आपटे उसे चुप देख कर किसी और ही चिंता में पड़े हुए थे उन्हें भय हो रहा था कि अब मैं चाहे कितनी क्षमा मांगू मिस जोशी के सामने कितनी सफाइयां पेश करूं मेरे आक्षेपों का असर कभी न मिटेगा इस भाव ने अज्ञात रूप से उन्हें अपने विषय की गुम बातें कहने की प्रेरणा की जो उन्हें उसकी दृष्टि में लघु बना दे जिससे वो भी उन्हें नीच समझने लगे उसको संतोष हो जाए कि ये भी कलुषित आत्मा है बोले मैं अन्य से अभागा हूं माता पिता का तो मुंह ही देखना नसीब ना हुआ जिस दयाशील महिला ने मुझे आश्रय दिया था वो भी मुझे तेरह वर्ष की अवस्था में अनाथ छोड़कर परलोक से धार गई उस समय मेरे सिर पर जो कुछ भी थी उसे याद करके इतनी लज्जा आती है कि, कि किसी को मुंह न दिखाऊं मैंने धोबी का काम किया मोची का काम किया घोड़े की साइज सी की एक होटल में बर्तन मांझता था यहां तक कि कितनी ही बार शुदा से व्याकुल होकर भीख भी मांगे मजदूरी करने को बुरा नहीं समझता आज भी मजदूरी ही करता हूँ भीख मांगनी भी किसी किसी दशा में शम है लेकिन मैंने उस अवस्था में ऐसे ऐसे कर्म किए जिन्हें कहते लज्जा आती है चोरी की विश्वासघात किया यहां तक कि चोरी के अपराध में कैद की सजा भी पाई मिस जोशी ने सरल नयन होकर कहा आप ये सब बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं मैं इनका उल्लेख करके आपको कितना बदनाम कर सकती हूं इसका आपको भय नहीं है आपने ने हंसकर कहा नहीं आपसे मुझे भय नहीं है मिस जोशी अगर मैं आपसे बदला लेना चाहूं तो आपटे जब मैं अपने अपराध पर लज्जित होकर आपसे क्षमा मांग रहा हूं तो मेरा अपराध रहा ही कहा जिसका आप मुझसे बदला लेंगे इससे तो मुझे भय होता है कि आपने मुझे क्षमा नहीं किया लेकिन यदि मैंने आपसे क्षमा न मांगी होती तो मुझसे बदला ना ले सकती बदला लेने वाले की आंखें यह सजल नहीं हो जाया करती मैं आपको कपट करने के अयोग्य समझता हूं आप यदि कपट करना चाहती तो यहां कभी ना आती मिस जोशी मैं आपका भेद लेने ही के लिए आई हूं आप तो शौक से लीजिए मैं बतला चुका हूं कि मैंने चोरी के अपराध में कैद की सजा पाई नासिक के जेल में रखा गया था मेरा शरीर दुर्बल था जेल की कड़ी मेहनत न हो सकती थी और अधिकारी लोग मुझे कामचोर समझकर समझ बैंतों से मारते थे आखिर एक दिन मैं रात को जेल से भाग खड़ा हुआ मिस जोशी आप तो छिपे रुस्तम निकले आप ऐसा भागा कि किसी को खबर न हुई आज तक मेरे नाम वारंट जारी है और पांच सौ रूपये इनाम भी है मिस जोशी तब तो मैं आपको जरूर पकड़ा दूंगी आप टे तो फिर मैं आपको अपना असल नाम भी बतला देता हूं मेरा नाम दामोदर मोदी है ये नाम तो पुलिस से बचने के लिए रख छोड़ा है बालक अब तक तो चुपचाप बैठा हुआ था मिस जोशी के मुंह से पकड़ाने की बात सुनकर वो सजग हो गया उसे डांट कर बोला हमारे दादा को कौन पकड़ेगा मिस जोशी सिपाही और कौन बालक हम सिपाही को मालेंगे ये कहकर वो कोने से अपने खेलने का डंडा उठा लाया और आपटे के पास वीरोचित भाव से खड़ा हो गया मानो सिपाहियों से उनकी रक्षा कर रहा है मिस जोशी आपका रक्षक तो बड़ा बहादुर मालूम होता है आपटे इसकी भी एक कथा है साल भर होता है ये लड़का खो गया था मुझे रास्ते में मिला मैं पूछता पूछता इसे यहां लाया उसी दिन से इन लोगों से मेरा इतना प्रेम हो गया कि मैं इनके साथ रहने लगा मिस जोशी आप अनुमान कर सकते हैं कि आपका वृतांत सुनकर मैं आपको क्या समझ रही हूं आप वही जो मैं वास्तव में हूं नीच कमीना धूर्त। मिस जोशी, नहीं, आप मुझ पर कितना अन्याय कर रहे हैं पहला अन्याय तो क्षमा कर सकती हूं ये अन्याय क्षमा नहीं कर सकती इतनी प्रतिकूल दशाओं में पढ़कर भी जिसका हृदय इतना पवित्र इतना निष्कपट इतना सहृदय हो वो आदमी नहीं देवता है भगवान आपने मुझ पर जो आक्षेप किए वो सत्य है मैं आपके अनुमान से कहीं भ्रष्ट हूं मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि आपकी ओर ताक सकू आपने अपने हृदय की विशालता दिखाकर मेरा असली स्वरूप मेरे सामने प्रकट कर दिया मुझे क्षमा कीजिए मुझ पर दया कीजिए ये कहते कहते वो उनके पैरों पर गिर पड़ी आपटे ने उसे उठा लिया और बोले मिस जोशी ईश्वर के लिए मुझे लज्जित न करो मिस जोशी ने गदगद कंठ से कहा आप इन दुष्टों के हाथ से मेरा उद्धार कीजिए मुझे इस योग्य बनाइए कि आपकी विश्वास पात्री बन सकू ईश्वर साक्षी है कि मुझे कभी कभी अपनी दशा पर कितना दुख होता है मैं बार बार चेष्टा करती हूं कि अपनी दशा सुधारू इस विलासता के जाल को तोड़ दूं जो मेरी आत्मा को चारों तरफ से जकड़े हुए है पर दुर्बल आत्मा अपने निश्चय पर स्थिर नहीं रहती मेरा पालन पोषण जिस ढंग से हुआ उसका यह परिणाम होना स्वाभाविक सा मालूम होता है मेरी उच्च शिक्षा ने ग्रहणी जीवन से मेरे मन में घृणा पैदा कर दी मुझे किसी पुरुष के अधीन रहने का विचार अस्वाभाविक जान पड़ता था मैं गृहिणी की जिम्मेदारियों और चिंताओं को अपनी मानसिक स्वाधीनता के लिए विश्तुल्य समझती थी मैं तर्क बुद्धि से अपने अतित्व को मिटा देना चाहती थी मैं पुरुषों की भांति स्वतंत्र रहना चाहती थी क्यों किसी की पाबंद होकर रहूं क्यों अपनी इच्छाओं को किसी व्यक्ति के सांचे में ढालू क्यों किसी को यह कहने का अधिकार दू कि तुमने ये क्यों किया दाम्पत्य मेरी निगाह में तुच्छ वस्तु थी। अपने माता पिता की आलोचना करना मेरे लिए उचित नहीं ईश्वर उन्हें सदगति दे उनकी राय किसी बात पर न मिलती थी पिता विद्वान थे माता के लिए कालाक्षर भैंस बराबर था उनमें रात दिन वाद विवाद होता रहता था पिताजी ऐसी स्त्री से विवाह हो जाना अपने लिए जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझते थे वो ये कहते कभी न थकते थे कि तुम मेरे पांव की बेड़ी बन गई नहीं तो मैं न जाने कहां उड़कर पहुंचा होता उनके विचार में सारा दोष माताजी की अशिक्षा के सिर था वो अपनी एक पुत्री को मूर्ख माता के संसर्ग से दूर रखना चाहते थे माता कभी मुझसे कुछ कहती थी तो पिताजी उन पर टूट पड़ते तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि लड़की को डांटो मत वो स्वयं अपना भला बुरा सोच सकती है तुम्हारे डांटने से उसके आत्मसम्मान को कितना धक्का लगेगा ये तुम नहीं जान सकती आखिर माताजी ने निराश होकर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और कदाचित इसी शोक में चल बसी अपने घर की अशांति देखकर मुझे विवाह से और भी घृणा हो गई सबसे बड़ा असर मुझ पर मेरे कॉलेज की लेडी प्रिंसिपल का हुआ जो स्वयं अविवाहिता थी मेरा तो अब ये विचार है कि युवकों की शिक्षा का भार केवल आदर्श चरित्रों पर रखना चाहिए विलास में रत कॉलेजों के शौकीन प्रोफेसर विद्यार्थियों पर कोई अच्छा असर नहीं डाल सकते मैं इस वक्त ऐसी बात आपसे कह रही हूं पर अभी घर जाकर सब भूल जाऊंगी मैं जिस संसार में हूं उसकी जलवायु हुई दूषित है वहां सभी मुझे कीचड़ में लथपथ देखना चाहते हैं। मेरे विलासक्त रहने में ही उनका स्वार्थ है आप वो पहले आदमी हैं जिसने मुझ पर विश्वास किया है जिसने मुझसे निष्कपट व्यवहार किया है ईश्वर के लिए अब मुझे भूलना चाहिएगा आपटे मिस जोशी की ओर वेदनापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा अगर मैं आपकी कुछ सेवा करूं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी मिस जोशी हम सब मिट्टी के पुतले हैं कोई निर्दोष नहीं मनुष्य बिगड़ता है तो परिस्थितियों से या पूर्व संस्कारों से परिस्थितियों का त्याग करने से ही बच सकता है संस्कारों से गिरने वाले मनुष्य का मार्ग इससे कहीं कठिन है आपकी आत्मा सुंदर और पवित्र है केवल परिस्थितियों ने उसे कोहरे की भांति ढक लिया है विवेक का सूर्य उदय हो गया है ईश्वर ने चाहा तो कोहरा भी फट जाएगा लेकिन सबसे पहले उन परिस्थितियों का त्याग करने को तैयार हो जाइए मिस जोशी यही आपको करना होगा आपटे ने चुभती हुई निगाहों से देखकर कहा वैद्य रोगी को जबरदस्ती दवा पिलाता है मिस जोशी मैं सब कुछ करूंगी मैं कड़वी से कड़वी दवा पीऊंगी यदि आप पिलाएंगे कल आप मेरे घर आने की कृपा करेंगे शाम को आप टे अवश्य आऊंगा मिस जोशी ने विदा लेते हुए कहा भूलिएगा नहीं मैं आपकी राह देखती रहूंगी अपने रक्षक को भी लाइएगा। यह कह कहकर उसने बालक को गोद में उठाया और उसे गले से लगाकर बाहर निकल आई गर्व के मारे उसके पांव जमीन पर न पड़ते थे मालूम होता था हवा में उड़ी जा रही है प्याज से तड़पते हुए मनुष्य को नदी का तट नजर आने लगा था दूसरे दिन प्रातःकाल मिस जोशी ने मेहमानों के नाम दावती कार्ड भेजे और उत्सव मनाने की तैयारियां करने लगी मिस्टर आपटे के सम्मान में पार्टी दी जा रही थी मिस्टर जौहरी ने कार्ड देखा तो मुस्कुराए अब महाशय इस जाल से बचकर कहा जाएंगे मिस जोशी ने उन्हें फंसाने की अच्छी तरकीब निकाली इस काम में निपुण मालूम होती है मैंने समझा था आपटे चालाक आदमी होगा मगर इन आंदोलनकारी विद्रोहियों को बकवास करने के सिवा और क्या सूझ सकती है चार ही बजे से मेहमान लोग आने लगे नगर के बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े व्यापारी बड़े बड़े विद्वान प्रधान समाचार पत्रों के संपादक अपनी अपनी महिलाओं के साथ आने लगे मिस जोशी ने आज अपने अच्छे से अच्छे वस्त्र और आभूषण निकाले हुए थे जिधर निकल जाती थी मालूम होता था अरुण प्रकाश की छटा चली आ रही है भवन में चारों तरफ से सुगंध की लपटें आ रही थी और मधुर संगीत की ध्वनि हवा में गूंज रही थी पांच बजते बजते मिस्टर जौहरी आ पहुंचे और मिस जोशी से हाथ मिलाते हुए मुस्कुराकर बोले जी चाहता है तुम्हारे हाथ चूम लू अब मुझे विश्वास हो गया कि ये महाशय तुम्हारे पंजे से नहीं निकल सकते मिसिज पैटिट बोली मिस जोशी दिलों का शिकार करने ही के लिए बनाई गई हैं। मिस्टर सोराब जी मैंने सुना है आपटे बिल्कुल सा आदमी है मिस्टर भरूचा किसी यूनिवर्सिटी में शिक्षा नहीं पाई सभ्यता कहां से आती मिसिज भरूचा आज उसे खूब बनाना चाहिए महंत वीरभद्र दाढ़ी के भीतर से बोले मैंने सुना है नास्तिक है वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता मिस जोशी नास्तिक तो मैं भी हूं ईश्वर पर मेरा भी विश्वास नहीं है महंत आप नास्तिक हो पर आप कितने ही नास्तिकों को आस्तिक बना देते हैं मिस्टर जौहरी आपने लाख की बात कही महंत जी मिसेस भरूचा क्यों महंत जी आपको मिस जोशी ही ने आस्तिक बनाया है क्या सहसा आपटे लोहार के बालक की उंगली पकड़े हुए भवन में दाखिल हुए वो पूरे फैशनेबल रईस बने हुए थे बालक भी किसी रईस का लड़का मालूम होता था आज आपटे को देखकर लोगों को विदित हुआ कि वो कितना सुंदर सचीला आदमी है मुख से शौर्य टपक रहा था पोर पोर से शिष्टता झलकती थी मालूम होता था वो इसी समाज में पला है लोग देख रहे थे कि वो कहीं चूके और तालियां बजाएं, कहीं फिसले और कह कहे पर आपटे मजे हुए खिलाड़ी की भांति जो कदम उठाता था वो सदा हुआ जो हाथ दिखलाता था वो जमा हुआ लोग उसे पहले तुच्छ समझते थे अब उससे ईर्ष्या करने लगे उस पर उड़ानी शुरू की लेकिन आपटे इस कला में भी एक ही निकला बात मुंह से निकली और उसने जवाब दिया पर उसके जवाब में मालिन्याकटता का लेश भी ना होता था उसका एक एक शब्द सरल स्वच्छ चित्त को प्रसन्न करने वाले भावों में डूबा होता था मिस जोशी उसकी वाक चात्री पर फूल उठती थी सोराब जी आपने किस यूनिवर्सिटी से शिक्षा पाई थी यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाई होती तो आज मैं भी शिक्षा विभाग का अध्यक्ष न होता मिसेस भरूचा मैं तो आपको भयंकर जंतु समझती थी आपटे ने मुस्कुराकर कहा आपने मुझे महिलाओं के सामने न देखा होगा सहसा मिस जोशी अपने सोने के कमरे में गई और अपने सारे वस्त्राभूषण उतार फेंके उसके मुख से शुभ संकल्प का तेज निकल रहा था नेत्रों से दबी ज्योति प्रस्फुटित हो रही थी मानो किसी देवता ने उसे वरदान दिया हो उसने सजे हुए कमरे को घृणा के नेत्रों से देखा अपने आभूषणों को पैरों से ठुकरा दिया और एक मोटी साफ साड़ी पहनकर बाहर निकली आज काल ही उसने ये साड़ी मंगा ली थी उसे इस वेश में देखकर लोग चकित हो गए काया पलट कैसी सहसा किसी की आंखों को विश्वास न आया किंतु मिस्टर जौहरी बगले बजाने लगे मिस जोशी ने इसे फंसाने के लिए कोई नया स्वांग रचा है मित्रों आपको याद है परसों महाशय आपटे ने मुझे कितनी गालियां दी थी ये महाशय खड़े हैं आज मैं इन्हें उस दुर्व्यवहार का दंड देना चाहती हूं मैं कल इनके मकान पर जाकर इनके जीवन के सारे गुप्त रहस्यों को जान आई ये जो जनता की भीड़ में गरजते फिरते हैं मेरे एक ही निशाने में गिर पड़े मैं उन रहस्यों को खोलने में अब विलंब न करूंगी आप लोग अधीर हो रहे होंगे मैंने जो कुछ देखा वो इतना भयंकर है कि उसका वृतांत सुनकर शायद आप लोगों को मूर्छा आ जाएगी अब मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि ये महाशय पक्के विद्रोही हैं। मिस्टर जौहरी ने ताली बजाई और तालियों से हॉल गूंज उठा मिस जोशी लेकिन राज के द्रोही नहीं अन्याय के द्रोही दमन के द्रोही अभिमान के द्रोही चारों ओर सन्नाटा छा गया लोग विस्मित होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे मिस जोशी महाशय आपने ने गुप्त रूप से शस्त्री जमा किए हैं और गुप्त रूप से हत्याएं की हैं। मिस्टर जोहरी ने तालियां बजाई और तालियों का दौगड़ा फिर बरस गया मिस जोशी लेकिन किसकी हत्या दुख की दरिद्रता की प्रजा की कष्टों की हठधर्मी की और अपने स्वार्थ की चारों ओर फिर सन्नाटा छा गया और लोग चकित हो होकर एक दूसरे की ओर ताकने लगे मानो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं है मिस जोशी महाराज आपने ने गुप्त रूप से डकैतियां की हैं और कर रहे हैं अब की किसी ने ताली ना बजाई लोग सुनना चाहते थे कि देखें आगे क्या कहती हैं उन्होंने मुझ पर भी हाथ साफ किया है मेरा सब कुछ अपहरण कर लिया है यहां तक कि अब मैं निराधार हूं और उनके चरणों के सिवा मेरे लिए कोई आश्रय नहीं है प्राणधार इस अबला को अपने चरणों में स्थान दो उसे डूबने से बचाओ मैं जानती हूं तुम मुझे निराश ना करोगे ये कहते कहते वो जाकर आपटे के चरणों पर गिर पड़ी सारी मंडली स्तंभित रह गई एक सप्ताह गुजर चुका था आपटे पुलिस की हिरासत में थे उन पर अभियोग चलाने की तैयारियां हो रही थी सारे प्रांत में हलचल मची हुई थी नगर में रोज सभाएं होती थी पुलिस रोज दस पांच आदमियों को पकड़ती थी समाचार पत्रों में जोरों के साथ वाद विवाद हो रहा था रात के नौ बज गए थे मिस्टर जौहरी राजभवन में मेज पर बैठे हुए सोच रहे थे कि मिस जोशी को क्यों कर वापस लाए उसी दिन से उनकी छाती पर सांप लोट रहा था उसकी सूरत एक क्षण के लिए आंखों से न उतरती थी वो सोच रहे थे इसने मेरे साथ ऐसी दगा की मैंने इसके लिए क्या कुछ न किया इसकी कौन सी इच्छा थी जो मैंने पूरी नहीं की और इसी ने मुझसे बेवफाई की नहीं कभी नहीं मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता दुनिया चाहे मुझे बदनाम करे हत्यारा कहे चाहे मुझे पद से हाथ धोना पड़े लेकिन आप टेको ना छोड़ूंगा इस रोड़े को रास्ते से हटा दूंगा इस कांटे को पहलू से निकाल बाहर करूंगा सहसा कमरी का द्वार खुला और मिस जोशी ने प्रवेश किया मिस्टर जौहरी हकबकाकर कुर्सी पर से उठ खड़े हुए और ये सोचकर कि शायद मिस जोशी उधर से निराश होकर मेरे पास आई है कुछ रूखे लेकिन भाव से बोले आओ बाला तुम्हारी याद में बैठा था तुम कितनी ही बेवफाई करो पर तुम्हारी याद मेरे दिल से नहीं निकल सकती मिस जोशी आप केवल जबान से कहते हैं मिस्टर जौहरी क्या दिल चीर कर दिखा दू मिस जोशी प्रेम प्रतिकार नहीं करता प्रेम से दुराग्रह नहीं होता आप मेरे खून के प्यासे हो रहे हैं उस पर भी आप कहते हैं मैं तुम्हारी याद करता हूं आपने मेरे स्वामी को हिरासत में डाल रखा है ये प्रेम है आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं अगर आप समझ रहे हों कि इन सख्तियों से डर कर मैं आपके शरण आ जाऊंगी तो आपका भ्रम है आपको अख्तियार है कि आप टेको काले पानी भेज दें फांसी पर चढ़ा दें लेकिन इसका मुझ पर कोई असर न होगा वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनको अपना स्वामी समझती हूं उन्होंने अपनी विशाल उदारता से मेरा उद्धार किया आप मुझे विषय के फंदों में फंसाते थे मेरी आत्मा को कलुषित करते थे कभी आपको ये ख्याल आया कि इसकी आत्मा पर क्या बीत रही होगी आप मुझे आत्म शून्य समझते थे इस देव पुरुष ने अपनी निर्मल स्वच्छ आत्मा के आकर्षण से मुझे पहली ही मुलाकात में खींच लिया मैं उसकी हो गई और मरते दम तक उसी की रहूंगी उस मार्ग से अब आप मुझे नहीं हटा सकते मुझे एक सच्ची आस्था की जरूरत थी वो मुझे मिल गई उसे पाकर अब तीनों लोग की संपदा मेरी आंखों में तुच्छ है मैं उनके वियोग में चाहे प्राण दे दूं पर आपके काम नहीं आ सकती मिस्टर जौहरी मिस जोशी प्रेम उदार नहीं होता क्षमाशील नहीं होता मेरे लिए तुम सर्वस्व हो जब तक मैं समझता हूं कि तुम मेरी हो अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मुझे इसकी क्या चिंता हो सकती है कि तुम किस दशा में हो मिस जोशी ये आपका अंतिम निश्चय है मिस्टर जौहरी अगर मैं कह दूं कि हां तो मिस जोशी ने सीने से पिस्तौल निकालकर कहा तो पहले आपकी लाश जमीन पर फड़कती होगी और आपके बाद मेरी बोलिए यह आपका अंतिम निश्चय है ये कहकर मिस जोशी ने जौहरी की तरफ पिस्तौल सीधा किया जौहरी कुर्सी से उठ खड़े हुए और मुस्कुराकर बोले क्या तुम मेरे लिए कभी इतना साहस कर सकती थी कदापि नहीं अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं तुम्हें नहीं पा सकता जाओ तुम्हारा आपटे तुम्हें मुबारक हो उस पर से अभी वो उठा लिया जाएगा पवित्र प्रेम में यह साहस है अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम्हारा प्रेम पवित्र है अगर कोई पुराना पापी भविष्यवाणी कर सकता है तो मैं कहता हूं वो दिन दूर नहीं जब तुम इस भवन की स्वामनी होगी आपने ने मुझे प्रेम क्षेत्र में नहीं राजनीति के क्षेत्र में भी परास्त कर दिया सच्चा आदमी एक मुलाकात में ही जीवन को बदल सकता है आत्मा को जगा सकता है और अज्ञान को मिटाकर प्रकाश की ज्योति फैला सकता है ये आज सिद्ध हो गया अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी विश्वास वाचन समीर गोस्वामी का था Ace is the place with the helpful hardware, folks. The buckets you buy at Ace hold paint, dirt, and debris. But our Children's Miracle Network buckets hold so much more, like dreams, hope, and care for children. Because over the last 29 years, with your help, Ace has raised over $125 million for local CMM hospitals. So stop by your local Ace this weekend to make a $5 donation and get a 5-gallon bucket plus 20% off almost anything that fits inside it. Offer valid on regular price merchandise. Additional exclusions apply. See store for details.